हेलो बच्चों वेलकम बैक टू आर चैनल इजी वे टू स्टडी बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सेवेंथ की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर एट बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है इलेक्ट्रॉमैगनेट इसके बारे में बच्चों हमें बताया गया है मनीष सो आर क्रेन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट हुज एंडिंग पार्ट वॉज कनेक्टेड टू अ ह्यूज पीस ऑफ आयरन यू ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर्स वैप्ड अराउंड ऑन इट मनीष ने एक जगह पर देखा कि वहां पर एक क्रेन पर एक बड़ा लोहे का टुकड़ा बंधा हुआ है और उसने यह भी देखा कि इस लोहे के टुकड़े पर चारों तरफ तारें लिपटी हुई हैं ही दैट हाउ अ वर्कर यूज दिस क्रेन टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन लोड्स विदाउट मैगनेट वह बहुत ही आश्चर्यचकित था कि वर्कर्स इस लोहे का इस्तेमाल कैसे करते हैं बाकी लोहे को उठाने के लिए ही वेंट टू हिस्स टीचर एंड हिस्स टीचर टोल्ड हिम दैट टोल एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैगनेट इस चीज़ का पता लगाने के लिए वह अपने टीचर के पास गया और उसकी टीचर ने बताया कि जब किसी तार से बिजली का करंट फ्लो होता है तो वह एक मैगनेट की तरह काम करने लग जाता है इसका बच्चों में बताया गया है ए करंट कैरिंग कॉयल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्डन इलेक्ट्रो मैगनेट एक, एक बच्चों ऐसा तार जिसमें से करंट बह रहा है और उसको इंसुलेट किया हुआ इंसुलेट करना मतलब उससे कोई टच करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा उसे इंसुलेट किया हुआ है और उसे एक लोहे के टुकड़े पर लपेटा हुआ है तो उसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मैगनेट डिक्रीज और इंक्रीज बाई और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रो की ताकत उसमें बहने वाले करंट को कम या ज्यादा करके बढ़ाई जा सकती है कम करी जा सकती है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट क्या यूजेज हैं फर्स्ट यूज टू सेपरेट मैग्नेट मटीरियल फ्रॉम जंक इसे बच्चों कूड़े कचरे में से मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सेकंड यूज बाई डॉक्टर्स टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन दी आई बच्चों कभी कभार ऐसा होता है छोटे बच्चों की आंखों में कुछ कण चले जाते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के हो सकते हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें निकालने के लिए भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट बच्चों मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी काफ़ी सारे खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं इसका हमें बताया गया बच्चों इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड ऑन एन आयरन पीस इसमें बच्चों एक आयरन की पीस के ऊपर लिपटी हुई तार होती है द कोयल एक्ट एज एन इलेक्ट्रो जो कोयल होती है तार की बनी हुई यह एक इलेक्ट्रो की तरह काम करती है एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज कैप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रो मैगनेट यहाँ बच्चों एक आयरन का अलग टुकड़ा जिसमें एक कोने पर हैमर लगा होता है उसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रखा जाता है देर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप इसके आयरन स्ट्रिप के पास बच्चे एक स्क्रू होता है वैन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कोयल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रो मैगनेट और बच्चों जब आयरन स्ट्रिप इस स्क्रू के कॉन्टेक्ट में आती है तो कोयल में से करंट फ्लो होता है और वह एक इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाती है जिससे हमारी बेल बजने लग जाती है इसके अब्चार हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं चलिए देखते हैं इसके आंसर फर्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गारबेज हीप एक्सप्लेन तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों नो एन इलेक्ट्रो मैगनेट इज जस्ट लाइक एज अ बार मैग्नेट एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसज ओनली प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सो इलेक्ट्रो मैगनेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग फ्रॉम द गारबेज हीप नेक्स्ट क्वेश्चन है What हैपन टू अ इलेक्ट्रो मैगनेट वेन द इलेक्ट्रिक करंट इज off? ऑफ एक इलेक्ट्रो मैगनेट में से अगर करंट बंद कर दिया जाए तो क्या होता है तो इसका आंसर अच्छा आप लिख सकते हैं वैन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विचड ऑफ द कोइन जनरली लूज इज मैग्नेटिज्म सच कॉइल्स आर कोल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बच्चों अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे तो इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वह भी चली जाएगी इन्हें हम इलेक्ट्रो मैगनेट कहते हैं लास्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन इलेक्ट्रोमैगनेट ट्रू और फॉल्स तो बच्चों इसका आंसर है फॉल्स बच्चों यह हमारे वक्शन का लास्ट क्वेश्चन था इसी के साथ हमारे वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है आई होप आप सभी को अच्छा समझ में आई होगी बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू